तो हे गाइस, मैं हूँ केके जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सर फेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप एक छत्तीसगढ़ के निवासी हैं फ्रेंड, या फिर आपने जो है कि सीजी लेबर पोर्टल से फ्रेंड आपने संगठित मजदूर का लेबर कार्ड बना चुके हैं फ्रेंड, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड कि यदि आपने संगठित मजदूर का लेबर कार्ड बनवा लिया है तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीमा होती है, ठीक है, जैसे बात कर लें हम लोग नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की बात कर लें या फिर नोनी योजना की बात कर लें, इस तरीके से फ्रेंड जो छत्तीसगढ़ के अंदर यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पर श्रमिक निर्माण जो आवास योजना है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग ए टू जेड सब कुछ जानेंगे फ्रेंड्स। तो इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा और यहाँ पर बताऊंगा फ्रेंड कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे इसके लिए, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हम ऐड करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड, सिंपली तरीके से आपको गूगल में सर्च करना है यहाँ पर सीजी लेबर, ठीक है। सीजी लेबर जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं सीजी लेबर डॉट एनआईसी डॉट इन, ठीक है, सीजी लेबर डॉट एनआईसी डॉट इन छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड देखिए श्रम जो लेबर रजिस्ट्रेशन का फ्रेंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको यहाँ पर जो संगठित मजदूर के पॉइंट्स पे आना है, यहाँ पर देखिए भवन निर्माण एवं सहनिर्माण के ऑप्शन पे, यहाँ पर देखिए योजना की स्थिति देखने पे आपको क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं योजना के बारे में मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड एक चीज़ों का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो योजना है इसके बारे में बात करने वाला हूँ, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। तो फ्रेंड इस योजना के तहत फ्रेंड आपको जो है कि घर यदि आप बनवा रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी फ्रेंड, ठीक है। यदि आपने बैंक से थोड़ा लोन लेकर रखा हुआ है और आप अपना घर का काम करवा रहे हैं तो इसमें क्या है गवर्नमेंट आपको जो है कि सहायता राशि प्रदान करेगी। तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसी के बारे में हम लोग ए टू जेड बात करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड अपने स्लाइड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीजी मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण आवास योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक आवास योजना 2023 इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 2023, ठीक है। इसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम लोग ए टू जेड बात करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड देखिए यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आधा अधूरा बताया गया है फ्रेंड, सही जानकारी आपको दी नहीं जाती है, इसीलिए मैं इस तरीके से आपको स्लाइड के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी इसलिए होती है क्योंकि फ्रेंड मैं उसको सब चीज़ को डिटेलिंग में बताता हूँ, ठीक है। तो डिटेलिंग आप जानिए चीज़ों को ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहला जो आवश्यक दस्तावेज फ्रेंड यहाँ पर आपके पास होने वाला है फ्रेंड, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक जरूर करवा ले फ्रेंड। मोबाइल नंबर सिर्फ लेबर कार्ड के लिए लिंक करवाना जरूरी नहीं होता है फ्रेंड, आपका आधार कार्ड के साथ यदि मोबाइल नंबर लिंक होता है तो आप किसी भी पर्पज से आप जो है कि अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ लेबर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, बैंकिंग रिस्पॉन्डिव के लिए भी आपको जरूरी होता है कि आप अपना बैंक के साथ आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और उसे मोबाइल नंबर भी लिंक करवा लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड संगठित मजदूर श्रमिक पंजीयन कार्ड, आपके पास संगठित मजदूर का जो भवन निर्माण कर्म कार्ड कार्ड होता है, ठीक है, संगठित मजदूर का वो होना चाहिए क्योंकि यो योजना इन्हीं के लिए है, ठीक है, जो अभी बता रहा हूँ आवास वाला, तो ये संगठित मजदूर के लिए है जो कि भवन निर्माण कर्म कार्ड के मजदूर होंगे उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर फ्रेंड याद रखिएगा जब आप संगठित मजदूर का जो कार्ड बना रहे थे ना, कार्ड बनवा रहे थे जब संगठित मजदूर का, तो उसी समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था फ्रेंड वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड जब आप अपना श्रमिक मजदूर का जब कार्ड का जब नंबर डालेंगे तो जब वो नंबर डालेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा मोबाइल ओटीपी के लिए, ठीक है, तो आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी के थ्रू ही आप जो है कि अपने पोर्टल के अंदर विजिट करेंगे जब आप जो ये मुख्यमंत्री आवास योजना का जब फॉर्म डालेंगे ना, तो उससे पहले आपका ओटीपी आएगा मोबाइल में, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर फ्रेंड आपका जो आपने रजिस्टर करवाया था जब जो संगठित मजदूर का कार्ड बनवा रहे थे तो वही मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा उसका वेरीफाई करेंगे, इसके बाद फ्रेंड आप सिंपली तरीके से जो है कि अपना जो आवास योजना का फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद आपका आगे का जो फॉर्म है वो आपको भरा जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर मोबाइल गुम हो गया है तो आप अपडेट करवाएं सबसे पहले, ठीक है, अपडेट करवाएंगे उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसीजर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका नियोजक प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड आप जहाँ भी ठेके मजदूरी का काम कर रहे थे, ठीक है, ठेके मजदूरी का काम कर रहे थे वहाँ पर ये जो नियोजक प्रमाण पत्र है आपको नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है, और आप फ्रेंड जो ये जो ठेकेदार है इसके पास भी ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो वहाँ से फ्रेंड वहाँ पर जो है कि एक पावती बना के देगा जो प्रमाण पत्र में कि आपने इतने दिन काम किए, आपने इतना रुपए लिया, इतने दिन का काम किया, ठीक है, ये काम किया, ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने वो आपको एक
लिस्ट बना के देंगे उसमें, और उसके बाद उनका सील रहेगा, उनका साइन रहेगा और सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो नियोजक प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है आपको, ठीक है। आपका आधार कार्ड अपलोड होगा, आपका नियोजक प्रमाण पत्र अपलोड होगा, आपका जो बता रहा हूँ जितने डॉक्यूमेंट अभी बताया है मैंने ना, ये सब चीज़ें आपको लगेगी वहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास जो है कि ब्याज की संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, आप किसी भी बैंक से लोन लेकर फ्रेंड, जो कि लोन लेकर आप अपना घर बनवा रहे हैं फ्रेंड, तो उसका जो है कि आपको जो ब्याज के संबंधित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब कि आप कितने ब्याज पे लोन लिए हैं, कितने ब्याज पे आपका जो है कि घर बन रहा है, ठीक है। तो उसका जो बैंक से रिलेटेड रहेगा जो प्रमाण पत्र रहेगा कि आप कितना जो कि मतलब कितना ब्याज लेके आप घर बनवा रहे हैं, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको, तभी ये अप्रूवल माना जाएगा, ठीक है। तो ब्याज की जो दर रहेगी या संबंधित प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ पास देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास बैंक पासबुक का डिटेल होना चाहिए, इस बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास। और बैंक पासबुक में फ्रेंड पूरी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। आपका नाम, गाँव, पता, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ठीक है। और मैनेजर का साइन वगैरह प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आईएफएससी कोड वगैरह, अकाउंट नंबर, आपका नाम, उसमें सब प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। तो आप नया पासबुक प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, भूखंड का खसरा, खतौनी, बी1 P1 का आपको लगने वाला है। तो आपको फ्रेंड जो है कि अपना जो खसरा, खतौनी और नक्शा, जो भी खसरा, खतौनी और नक्शा जो होता है फ्रेंड, उसका आप क्या करेंगे, सिंपली तरीके से आप क्या करें, उसका आपके पास होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये सबको PDF बना के आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आवास आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल मूल स्कैन प्रति। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो आपको जो ऋण स्वीकृत की गई है बैंक के थ्रू, ठीक है, जो स्वीकृति की गई है उसका आपके पास एक प्रति डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र। तो देखिए फ्रेंड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसको आप डिक्लेयर करेंगे, जिसमें आप अपना नाम, पता, गांव का एड्रेस लिखेंगे, और मैं इस कारण से मतलब मुझे ये जो सहायता राशि इसकी ज़रूरत है, आप उसमें घोषणा पत्र देंगे, और फ्रेंड वहां पर सिंपली तरीके से अपना साइन आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया फ्रेंड्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा, आपका संगठित मजदूर का कार्ड होगा, नियोजक प्रमाण पत्र, ब्याज संबंधित प्रमाण पत्र, बैंक संबंधित प्रमाण पत्र जो होगा, बैंक पासबुक का जो रहेगा, और खसरा, बी1 नक्शा, ये सब लोग को फ्रेंड आप PDF बनाना है, ठीक है। आवास ऋण स्वीकृति, ये सबको, स्वघोषणा पत्र, ये सबको PDF बनाना है आपको। और PDF जो रहेगा फ्रेंड आपका 120 60 से 120 KB तक का होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। याद इस चीज़ को रखिएगा, क्योंकि आप PDF बना लीजिए ये सब चीज़ों का, ये सब चीज़ों का PDF बनाएंगे, और 60 KB से 120 KB तक के अंदर में होना चाहिए आपका ये फाइल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसको अपलोड करना है, इतने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, इस पोर्टल के अंदर। इसके लिए मैं ऑनलाइन प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका A to Z। जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताया, ये सब आप डॉक्यूमेंट आप रख लें, उसके बाद ही जो है कि जो आवास योजना के लिए आप, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे फ्रेंड, ठीक है। PDF फाइल सभी को डालना है। यहाँ पर मैंने PDF मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर PDF आपका डलेगा, और 60 KB से 120 KB के बीच में होना चाहिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।